भागलपुर में फिर तड़तड़ाई गोलियों की आवाज, पूरे इलाके में भय का माहौल। बेखौफ अपराधियों ने सरेआम जमीन व्यवसायी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। मामला पुरानी दुश्मनी का। अपराध पर लगाम लगाने को लेकर भागलपुर एसएसपी बाबूराम कई पैतरे आजमा रहे हैं। आए दिन सभी थानों के एसएचओ के साथ बैठक करते दिख रहे हैं, परंतु अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। उन्हें प्रशासन का थोड़ा भी भय नहीं है। एसएसपी बाबूराम सभी थानों के थानाध्यक्ष के साथ शहर में अपराध पर नियंत्रण लगाने को लेकर सख्त हिदायत देते हुए सभी केसों का निष्पादन भी जल्द से जल्द करने का आदेश देते दिखते हैं, परंतु अपराधी का मनोबल सर चढ़ कर बोल रहा है। अब तो भागलपुर में अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि प्रशासन को अपराध पर लगाम लगाने के लिए एड़ी चोटी एक करनी पड़ रही है। ताज़ा मामला बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज का है। कुतुबगंज के रहने वाले अमरिंदर सिंह का अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अमरिंदर सिंह जमीन का व्यवसाय किया करते थे। वहीं मृतक जमीन व्यवसायी अमरिंदर सिंह का पुत्र मानस सिंह ने बताया कि मेरे पिताजी को करकु यादव एवं उनके दो भगना साथ में उमा यादव और सतीश यादव ने मौत के घाट उतारा है, यह सही नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे पिताजी एक जमीन व्यवसायी थे, उन्हें मरवाने में करकु यादव का ही हाथ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले करकु यादव मेरे घर पर गोली चलाया था और रंगदारी भी मांगी थी। हम लोगों ने इसको लेकर थाने में केस दर्ज कराया था, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी हम लोगों ने इतना हद तक नहीं सोचा था। मेरे पिताजी को करकु यादव और उनके साथियों ने मरवाया है। जब करकु यादव और उनके साथियों ने मेरे घर पर गोली चलाई थी और रंगदारी मांगा था, तो प्रशासन करकु यादव को पकड़कर थाने तो जरूर लाई थी, लेकिन कुछ ही देर में उसे बॉन्ड भरा कर छोड़ दिया गया था। अगर पुलिस इस पर गहराई से मंथन करती और उसे प्रमुखता से लेती तो शायद यह घटना नहीं घटती। मुझे इंसाफ चाहिए। वहीं मामले को लेकर प्रशासन छानबीन में जुटी है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या हुआ? घटना यही हुआ कि हमारे घर के सामने जो है पिताजी उधर से दौड़ के आए, इनको जो है गोली मार दिया। कौन लोग थे? करकु यादव का भगना था, उसके साथ दो लड़का और था, और उमा यादव था और सतीश यादव था। करकु यादव मरवाया है। तो क्या मतलब पहले पुराना झगड़ा हुआ? पुराना मेरे घर पे गोली चलाया था, धमकी दिया था, लेकिन जो है पुलिस जो है केस का कोई छानबीन नहीं की, इसके कारण से जो है तो क्या लगता है कि मतलब पापा को पुराना झगड़ा कारण मारा गया? पुराना झगड़ा के कारण नहीं, वही दुश्मनी के कारण। किस चीज़ क्यों? क्या दुश्मनी था? दुश्मनी जो है यहाँ जो है गाली गलौज किया था मेरे घर पे चढ़ करके, पापा जी प्लॉटिंग करते हैं, धमकी दिया था रंगदारी, हम केस भी किए थे पिताजी हमारे। क्या नाम थे पिताजी? पिताजी का नाम श्री अमेंद्र कुमार सिंह। आपका नाम? मेरा नाम मानस सिंह।